हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 11 बायोलॉजी क्लास इन विच टुडे वी डिस्कस अबाउट अवर न्यू टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स. इन लास्ट वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन ह्यूमन बॉडी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स. जो ह्यूमन बॉडी है उसमें दो टाइप के नेफ्रॉन्स मिलते हैं. फर्स्ट होता है जो हमें दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन. And second one is the justa medullary nephron. What are the means of both these types? Now, here is the TS of a nephron, or we can say of a kidney. यहाँ पर किडनी की टीएस दिखाई दे रही है आपको, जिसमें हमने बात की थी कि दिस इज द आउटर पोर्शन दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, जिसे हम बल्ब भी कहते हैं, और दिस इज द मेडुला रीजन, जिसे हम मेडुला भाग कहते हैं. मेडुला भाग में जो हमारी पिरामिड्स टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिन्हें हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, इनके अंदर ही हमारे जो नेफ्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं. मिलियंस ऑफ नंबर्स में हमारे जो नेफ्रॉन्स है वो प्रेजेंट है. वन मिलियन कह रहा हूँ. जो एक पिरामिड है उसके अंदर हमारे 10-15 नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ मैंने आपको दो टाइप के नेफ्रॉन्स दिखाए हैं दो पिरामिड्स के अंदर. एक नेफ्रॉन के अंदर आप देखिए इसका जो लूप ऑफ फेले है वो छोटा है और दूसरे का जो लूप ऑफ फेले है वो बड़ा है. तो सो ऑन द प्रेजेंस ऑफ दिस लूप ऑफ फेले देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स. फर्स्ट वन इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड सेकंड वन इज द बोलते हैं. एक नेफ्रॉन के तीन मुख्य काम होते हैं. पहले हम बोलते हैं
ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस निसेंदन, निसेंदन। दूसरे को हम बोलते हैं सेलेक्टिव, यानी कि वर्णात्मक, वर्णात्मक चयन। और तीसरे को हम बोलते हैं स्त्रावण, यानी सिक्रीशन। दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए नेफ्रॉन। व्हाट इज ग्लोमेरुलस? कल हमने बात की थी जब हमारा ग्लोमेरुलस इज दिस स्ट्रक्चर इन द नेफ्रॉन, जो हमारा कैपिलरीज का आर्टरियोल्स हमारी बॉडी के अंदर। इट इज ऑफ वन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि हमारी बॉडी में हमने पढ़ा है कि आर्टरीज जो है वो आर्टरियोल्स बनाती है, और आर्टरियोल्स से फिर हमारा कैपिलरीज बनती है, और कैपिलरीज से वेन का कनेक्शन हो जाता है, वेन्स का अरेंजमेंट हो जाता है। बट नेफ्रॉन के अंदर आप एक चीज देखते होंगे, यहाँ एफरेंट, एफरेंट आर्टरियोल अंदर गई है, आर्टरियोल आपके अंदर जा रही है, और इफरेंट आपकी यहाँ से निकल रही है। इफरेंट ये है आपकी अभिवाही धमनी का अभिवाही, और ये है आपकी अपवाही धमनी का। दोनों ही धमनी का है, दोनों ही आर्टरियोल है। कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बना है, ग्लोमेरुलस जिसे हम बोल रहे हैं, और उससे हमारा वेन का अरेंजमेंट नहीं है, उससे हमारा आर्टरियोल का भी अरेंजमेंट हुआ है। तो ये हमारे एक्सट्रैक्शन का बना हमारी बॉडी में अंदर चले। जब भी आर्टरीज आर्टरियोल में टूटेंगी और आर्टरियोल्स कैपिलरीज बनाएंगी, तो कैपिलरीज फिर आपका वेन्स का फॉर्मेशन करती है। लेकिन यहाँ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर जो एफरेंट आर्टरियोल है जब हो जाती है तो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपकी जो कैपिलरीज हैं फिर से एफरेंट इफरेंट आर्टरियोल बना लेती है, वेन्स का फॉर्मेशन नहीं करती है, जो बस इलेक्ट्रा का फॉर्मेशन करती है, या पेरिफेरल आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का या कैपिलरी नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है अराउंड द पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनरी, जिसकी हमने कल बात की थी। Now, when the blood coming to this nephron, or we can say when the blood coming to the afferent arteriole with high pressure, then filtration is occur. More filtration occur in the meridian body, or we can say meridian संरचना के अंदर सबसे ज्यादा आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए पार्ट को कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, क्योंकि किसने किया होगा? ग्लोमेरुलस ने। सो इट इज नोन एज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, एंड द रेट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और यहां पर आपके मैक्सिमम जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनका आपका फिल्ट्रेशन हो जाता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन आफ्टर दैट जब हमारा फिल्ट्रेशन होता है फिल्टर हो जाते हैं, पीसीटी में आता है, हमारी बॉडी कोई भी जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको जाने नहीं देती है बॉडी से हमारा। सो अब हमारा पीसीटी लूप ऑफ हेनरी और डीसीटी में क्या होता है? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। हमारा पीसीटी में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पीसीटी में आएगा जो फिल्ट्रेट आएगा। फिल्ट्रेट के अंदर हमारे पास सोडियम आयंस प्रेजेंट है, पोटेशियम आयंस प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, जो यहाँ पर फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगी वो हमारी यहाँ पर एब्जॉर्ब कर जाती है। पेरिफेरल जो कैपिलरी नेटवर्क रहता है उसके थ्रू या वास इलेक्ट्रा के थ्रू हमारा जो बेसिकली अगर हम बात करें तो पेरिफेरल जो हमारी रहती है टिश्यूज जो हमारी यहाँ से अटैच होती हैं वो हमारा क्या करती है? वो हमारा यहाँ पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है। दैट मीन्स जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है सोडियम आयंस प्रोटॉन कैल्शियम आयंस उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती है इनटू द बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का वो होता है लूप ऑफ हेनरी। लूप ऑफ हेनरी के लिए इंपॉर्टेंट है ये हमारा क्या है? ये हमारा असेंडिंग लिंब है, ये हमारा ट्रांसफर लिंब है ये वाला, और ये वाला हमारा क्या है? इट इज कॉल्ड असेंडिंग लिंब। अवरोही ऊर्जा
अनुप्रस्थ भुजा और आरोही भुजा के ऊपर जाते हुए। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग डिसेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लिम्ब। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब। यहां पर हमारा सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। कल हमने देखा फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर और वी कैन से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इट कंबाइंड विद द इनर विंड। यहां से आपका जो भी वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा लाइक दिस। ओके एंड देन फाइनल पर्पस सेक्रीशन। सेक्रीशन किससे होता है? यहां पर आपका एब्जॉर्प्शन होगा डीसी के अंदर। उसके बाद सेक्रीशन होता है गुदा कलेक्टिंग डक्ट। हमने कल बात की थी सेक्शन में, तो यहां पर जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं वो ट्यूब्यूल्स अपना सेक्रीशन रिलीज कर देती हैं ना फाइनली, जिसमें ओनली एंड ओनली यूरिया इज प्रेजेंट, वो रिलीज हो जाता है और वी कैन से सीक्रेट इनटू द कलेक्टिंग डक्ट विद द हेल्प ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। सो मेनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और वी कैन से 10 टू 15 कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स रिलीज देयर सेक्रीशन इन द कलेक्टिंग डक्ट। So, hope you understand both these topics.